व्हाट्सअप नेटिव फैमिली, दिस इज अ फ्रेंड मोहित बैक विद अदर सुपर डुपर ब्लॉग। सो गाइस आज आपको लेके आऊँ गुरु कृपा मोटर्स पे, एंड आज के ब्लॉग में फिर से आपको मिक्स कलेक्शन दिखाने वाला हूँ जिसमें आपकी सेडान नहीं बजे आज के ब्लॉग में ना? आज के ब्लॉग में सेडान नहीं मिलेगी आपको, बट एसयूवी टाइप में और मिनी एसयूवी टाइप में और इको वगैरह टाइप। तो बेसिकली दादू आज का ब्लॉग जो है हम एमयूवी ब्रांड एसयूवी एंड एमयूवी पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसमें हम आपको एक्सयूवी 500, टाटा नेक्सन, ब्रेजा, जो सबसे डिमांडिंग गाड़ियां सारी आपको दिखाने वाले हैं। तो बाजी क्या चल? बढ़िया सर, नमस्ते, हेलो व्यूअर्स। अभी आता तुमने अपने भाई को मिस किया नहीं है, पहले तुम ये बताओ। अरे सर, मैं तो आपका काफी दिन से कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही थी, बस मिसमैच हो रहा था, कभी आप बिजी चल रहे थे कभी मैं बिजी चल रहा था। ओके। बट भाइयों का यूट्यूब फैमिली का प्यार इतना है कि हमारे को टाइम निकालना पड़ता है स्पेशली। सही बात है। और आपके चैनल की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमेशा मिलता है, एज यूजुअल। थैंक यू व्यूअर्स। तो पाजी बात करते हैं आज के लॉग में जो हम कलेक्शन दिखा रहे हैं, सारी गाड़ियां फाइनेंस हो जाएंगी? बिल्कुल सर, सारी गाड़ियां फाइनेंस हो जाएंगी। ये भी बता दो कौन सी ईयर के मॉडल की गाड़ी फाइनेंस हो जाएंगी? सर 2012 मॉडल के बाद सारी गाड़ियां फाइनेंस हो जाएंगी। मैं आपको इस टाइम जो भी गाड़ियां दिखा रहा हूं 2015 से प्लस ही दिखा रहा हूं। ओके, मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मतलब सारी मतलब लेटेस्ट ईयर के मॉडल, लेटेस्ट ही मॉडल हैं। और गाड़ियां जितनी भी है मल्टी ब्रांड के अंदर अभी आपको सारी दिखेंगी, एज यूजुअल सर्टिफाइड कार्स, सर्टिफाइड है सारी। 1 ईयर की वारंटी मिलेगी स्टैंडर्ड आपको मेरे पास हर गाड़ी की, प्लस 1 ईयर का रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा हर गाड़ी के ऊपर, नॉन एक्सीडेंटल, नॉन ऑडोमीटर टेम्पर्ड, हर चीज़ की शॉर्ट ईयर गारंटी होगी। मेरे मुंह से कहने की गारंटी नहीं होगी, ऑन बुक्स होगा हर चीज़। अब आजी एक बात ये बता दो, गाड़ी की प्राइसिंग बड़ी होने वाली नहीं होने वाली? फिर भाई कमेंट सेक्शन में जाके ये बोलेंगे भाई महंगी है, महंगी सर है, महंगी है। पंजाबी में एक कहावत कहते हैं, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा। हाँ जी, प्राइसिंग भी बढ़िया होगी और क्वालिटी भी उतनी बढ़िया होगी। मैं आपको प्राइसिंग दे दूं बिल्कुल नीचे और गाड़ी एक्सीडेंटल चिपका दूं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ओके। अगर हम बात करें शोरूम 7 डेज ओपन रहेगा? 7 डेज ओपन रहता है और सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। ओके। बस गाइस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे माइक सेटिंग व्लॉग के नाम से। बेसिकली वहाँ पे आपको अपडेट मिलता है कि कब कौन सा नया कार का व्लॉग आने वाला है, एंड पाजी को जाके फॉलो करें गुरु कृपा मोटर्स पे, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी कब कौन सी नई गाड़ी इनके स्टॉक में ऐड हो रही है। जी, एंड जल्दी से जाके हम दोनों को इसलिए भी फॉलो कर लो क्योंकि अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आती है, अगर आप यहाँ पे आके दिखाओगे तो पाजी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। हाय दोस्तों, नए नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता है कि कब कौन सा स्टॉक बाय या सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपका सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनियों में से है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे एस्टेब्लिश हुए 30 ईयर्स हो चुके हैं विद 10 लाख प्लस कस्टमर। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो आपको बताता है कि कब आपको क्या बाय एंड आपको कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एंड ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। ये ऐप में एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, एंड बहुत से नए फीचर जो आपको किसी भी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 300 के डिस्काउंट कूपन एंड 1000 रुपीज के ब्रोकरेज के कैशबैक देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप कंप्यूटर एंड मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो उस पर तुरंत आप क्लिक कीजिए, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर एंड सिटी डालो एंड अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करो। सो गाइस जो सबसे पहले हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं वो है आपकी न्यू एक्सयूवी 500। सो पाजी पहले हम आएंगे इस कार के फीचर रही है, इस कार में हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। सर हम फीचर्स की अगर बात करते हैं इसमें तो आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। ओके। और जो भी सर टॉप एंड मॉडल में सारी चीज़ें आती है, कंपनी फिटेड अलॉय रिम वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इससे ऊपर कोई इसका वेरियंट नहीं आता। आज की डेट में अगर हम एक्सयूवी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन महिंद्रा ने बंद कर दिया, मैनुअल के अंदर आती है। ओके ठीक है। बट मैं ये जो आपको गाड़ी दे रहा हूँ ऑटोमेटिक के अंदर दे रहा हूँ, 22.5 लाख रुपए की मैनुअल गाड़ी आती है, 24 लाख रुपए की ऑटोमेटिक आया करती थी, लेकिन जो ऑटोमेटिक है फिलहाल क्लोज हो चुकी है, अभी क्लोज हो चुकी है। बट ये हमारे पास अवेलेबल है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, 2019 मॉडल W11 टॉप एंड मॉडल, इससे ऊपर कोई नहीं आता। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर ये आपको गाड़ी मिल रही है, और आस्किंग की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 16,60,000 रुपये नई गाड़ी, शोरूम का प्राइस 24 लाख रुपये का, 16,60,000 रुपये की गाड़ी है। बाकी ऑन टेबल अब हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा आपके थ्रू जरूर करेंगे। एंड भाई अगर हम बात करते हैं वैसे तो फिलहाल ऑटोमेटिक बंद ही होगा, अगर कोई ऑटोमेटिक भी लेने जाता है 24 लाख रुपए की से पड़ती है। 24 लाख रुपए की पड़ती थी सर 2019 के अंदर जब आती थी। मैं आपको एक 30,000 ड्रिवन दे रहा हूँ, गुड़गांव नंबर रजिस्टर्ड दे रहा हूँ, फर्स्ट ओनर गाड़ी दे रहा हूँ। सिंगल ओनर है पाजी? सिंगल ओनर है सर। अब आज ये बात करते हैं भाई कॉस्टिंग इसकी 16.5 लाख रुपए, 16,60,000 रुपए, 16,60,000 रुपए जी।
ओके ठीक है पाजी, बात करते हैं पाजी, डीजल वेरिएंट है नहीं? डीजल में ही आती है सर। अब पाजी इसकी एवरेज बता दो भाइयों को एक बार। एवरेज की अगर बात करते हैं सर तो 12 से 13 की एवरेज देती है ये। पक्का ना? पक्का सर। ठीक है। सो गाइस इसकी और बाकी एवरेज की भी अगर हम बात करते हैं ना सर तो ड्राइव के ऊपर भी होता है। हाँ। निकालने वाला 12 13 की भी निकालेगा और ना निकालने वाला होगा तो 10 की भी आएगी। अच्छा। सो गाइस इसकी डिटेल्स हो गई, ये थी आपकी HR नंबर की न्यू शेप। अब साथ में आपकी एक और आ गई है न्यू शेप XUV 500 सिल्वर कलर में DL नंबर की। तो भैया इसकी डिटेल दीजिए पाजी, इसकी डिटेल दीजिए कुछ। सर 2015 मॉडल आप XUV देख रहे हो, डेली नंबर रजिस्टर्ड है, सिल्वर कलर है और गाड़ी के अंदर आप देख रहे हो सर टॉप एंड मॉडल अपने टाइम पे जब आया करती थी 2015 में तब W10 जो था ये टॉप मॉडल था। हाँ जी। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिल रही है, सनरूफ इसके अंदर भी मिलेगी आपको, कीलेस एंट्री मिलेगी, पुश बटन स्टार्ट मिलेगा, कंपनी फिटेड अलॉय रिम्स वगैरह मिलेंगे, फोल्डेबल मिरर रहेंगे, सारी चीज़ें जैसे टॉप एंड मॉडल में आती है सर वैसा मिलेगा आपको। हाँ जी। और इसकी आस्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 9,60,000 रुपये। 9,60,000 जी, 45,000 चली है। और अगर इसकी जेन्युइनिटी की भी बात करते हैं हम तो गाड़ी में आज तक बम्पर को छोड़ के पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, कोई गाड़ी पेंट नहीं हुई है। बाकी छोटा मोटा गाड़ी दिल्ली की ट्रैफिक में पेंट जरूर हो जाती है बट स्पेशली इन XUV की जो मैंने दोनों आपको दिखाई है इनमें बम्पर के अलावा, फ्रंट बम्पर के अलावा गाड़ी में कुछ भी पेंट नहीं हुआ, सारी गाड़ी ओरिजिनल है, इवन प्लास्टिक पार्ट भी। अब आजी फॉर एग्जांपल लाइक एक कोई कस्टमर आपके पास आता है, कोई भी गाड़ी इनमें से लेने में इंटरेस्टेड है, कोई भी गाड़ी लेता है जी सर। अब आजी देखो 9-10 लाख पाजी सबके टाइम आज के टाइम में पॉसिबल है, जैसे कोरोना चल रहा है सारे कैश डाउन देके गाड़ी नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल सर। फाइनेंस है पाजी, कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी गाड़ी के लिए? सर हमारा जो रहता है हम 70-80% मिनिमम फाइनेंस करा देते हैं, कराने में 90% तक भी फाइनेंस करा देते हैं। आप मोटा मोटा लगाइए इसके ऊपर आप 1.5-2 लाख रुपए देते हैं तो आपका फाइनेंस करा रहे। तो भाजी मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 1.5-2 लाख देके आप इस गाड़ी को अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। बट मैं फाइनेंस भी जो करा पाऊंगा दिल्ली और NCR का ही करा पाऊंगा। ओके सो गाइस एक रिक्वेस्ट है, काफी भाई कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भाई अभी फिलहाल जो है ओनली दिल्ली NCR के लिए फाइनेंस होगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार दिल्ली NCR के लिए फाइनेंस होगा तो वही भाई कॉन्टेक्ट करें दिल्ली NCR के लिए फाइनेंस। बाहर वाले को भी लेने तो पर्सनल लेके ले सकते हो, पर्सनल PL अप्लाई करें और हमारे पास आ जाए गाड़ी हम उनको दे देंगे। ठीक है। सो गाइस इसकी डिटेल्स हो गई, अब आइए आपको लेके चलता हूं बैक में, आपको दिखाता हूं बैक की गाड़ी। आइए। सो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ गई Hyundai की क्रेटा, बेसिकली डार्क ग्रे कलर में है पाजी। पहले आते हैं हम इसके फीचर पे। सर Hyundai की क्रेटा आप देख रहे हो सर, इसमें आप गाड़ी में देख रहे हैं कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम रहेगा, अलॉयस लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। और हम गाड़ी के नंबर की भी अगर बात करते हैं तो इसका नंबर आप देख रहे हो फैंसी नंबर है 888-9888-9 आपको ये नंबर मिल रहा है सर। आप अथॉरिटी में भी अप्लाई करते हो 25-30 हज़ार रुपये की फ़ीस कटती है, रसीद कटती है, तभी ये नंबर आपको मिलता है। और एज़ यूजुअल दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ऑनर है, डीजल के अंदर आप ये गाड़ी देख रहे हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आपको गाड़ी मिल रही है, 43,000 चली है। प्राइसिंग की हम बात करेंगे 10,10,000 रुपये। 10,10,000 जी बिल्कुल। तो भाजी जो भी हम प्राइस कोट कर रहे हैं वो नेगोशिएबल प्राइस है ना सर? ऑन टेबल बिल्कुल नेगोशिएट होंगे, प्राइसिंग की जो भी बात है प्लीज़ फ़ोन पे ना करें, आए सामने बैठ के ऑन टेबल डील करा के ही भेजेंगे। पाजी वो ऑटोमेटिक है मैनुअल ही है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर डेली नंबर रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑनर। ओके। सो गाइस इसकी डिटेल्स हो गई, अब आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं जो कि इसका बड़ा भाई है पाजी, क्यों हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। सो गाइस अभी आपकी आ गई है नेक्स्ट जो कि आपकी Hyundai की सेंटा फे है सिल्वर कलर में पाजी। अब इसके पहले मैं उबर के फीचर बताइए पहले इस गाड़ी के। ये आप गाड़ी देख रहे हो नोएडा नंबर रजिस्टर्ड है और गाड़ी फर्स्ट ऑनर है और सेंटा फी डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है। नए की प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो 29 लाख रुपए की शोरूम से आया करती थी, हमने जो इसका आस्किंग रखा हुआ 10,60,000 रुपए। एंड भाई आई थिंक अब फिलहाल जो है फिलहाल गाड़ी बंद हो चुकी है, अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है गाड़ी, बट गाड़ी का जो आप सर्विस वगैरह की बात करेंगे सारी चीज़ होती है कंपनी से, सारी चीज़ इसका अवेलेबल रहती है। गाड़ी सर ये चली हुई है 59,000। एंड आपका पेट्रोल वेरिएंट है? डीजल में। डीजल वेरिएंट गाइस, ये भी आपके डीजल वेरिएंट हो गई। अब इसकी डिटेल्स हो गई, अब आपको लेके चलते हैं, ये बैक पे आपको दिखाते हैं और गाड़ी आई है। सो गाइस अब जो हम आपको दो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं वो है आपकी टाटा नेक्सन, बेसिकली एक है आपकी डुअल टोन कलर में ऑरेंज एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में और एक है आपकी प्योर व्हाइट कलर में। तो पाजी पहले हम आते हैं इस टाटा नेक्सन की डिटेल पे, पाजी पहले इसकी फीचर दो। सर टाटा नेक्सन जो आप देख रहे हैं टॉप एंड मॉडल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर डीजल के अंदर, और गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो 2020 मॉडल मार्च मंथ की कार है और फर्स्ट ऑनर है। ओके। नंबर भी जो इसकी बात करेंगे सर 9996 फैंसी नंबर, आज मैंने आपको जो भी गाड़ी दिखा रहा हूँ दो गाड़ियाँ फैंसी नंबर में दिखाई हैं, बकायदा कस्टमर ने जो रिसीट भी आपको मिलेगी स्लिप भी मिलेगी 25,000 रुपये का VIP नंबर ये लिया था। ओके। फैंसी नंबर जिसे हम कहते हैं, डेली नंबर रजिस्टर्ड है एज यूजुअल, फर्स्ट ऑनर है। फीचर्स की हम बात करेंगे कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा और टच स्क्रीन माउथ मिल जाएगा आपको, जो भी टॉप एंड मॉडल में फीचर्स आते हैं सारी चीज़ होगी। डुअल टोन कार है और डीजल के अंदर टॉप एंड मॉडल रहने वाला है। शोरूम प्राइस की बात अगर हम करते हैं तो 14,75,000 रुपये की गाड़ी आती है शोरूम से। हमारी एक छोटी सी अगर इसकी बात करेंगे आस्किंग प्राइस की तो 9,60,000 रुपये। एंड भाई जैसे हम अलॉयस देख रहे हैं आफ्टर मार्केट है ना वो?
कंपनी फिटेड अलॉय है सर ये। ओके सो गाइस ये आपके है कंपनी फिटेड अलॉय, सॉरी ये गाइस आपका कंपनी फिटेड अलॉय रिम्स है सर ये, जो गाड़ी के साथ टाटा देता है। 2020 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और गाड़ी ड्रिवन की हम बात करते हैं तो 6500 किलोमीटर चली हुई है, 6500 गाड़ी किलोमीटर चली हुई है, टॉप एंड मॉडल डीजल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, 9,60,000 रुपये आस्किंग, नई गाड़ी का प्राइस 14,75,000 रुपये। ओके ठीक है जी। तो ये कौन सामने खड़ा हुआ? तो गाइस नेक्स्ट अब आपके आगे टाटा नेक्सन वाइट लेने पाजे, इसकी डिटेल बताइए सर। टाटा की नेक्सन एज यूजुअल आप देख रहे हो 2020 मॉडल पेट्रोल के अंदर आपको ये गाड़ी मिलेगी मैनुअल ट्रांसमिशन में। 2020 मॉडल पेट्रोल के अंदर आप ये गाड़ी देख रहे हो सर। अगर हम इसकी ऑनर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑनर कार है, 2020 मार्च अप्रैल मंथ की रजिस्टर्ड है, 2500 किलोमीटर चली हुई पेट्रोल के अंदर। okay. नई गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं तो XM वेरिएंट है, 8,75,000 रुपये की आफ्टर डिस्काउंट आती है। ठीक है, हमारे पास से अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं सर 7,00,000 रुपये का हमने इसका आस्किंग रखा हुआ है। अलग से अगर एक्सेसरीज की बात करते हैं तो इसमें सीट्स कवर अलग से लगे हुए हैं, बाहर से अलॉय रिम्स लगे हुए हैं, चौड़े टायर डले हुए हैं, फॉग लैम्प डला हुआ है, सब आउटसाइड है। आउटसाइड इसके ऊपर 50,000 से 60,000 रुपये की एक्सेसरीज भी लगी हुई है, जिसका आपको बिल भी मिल जाएगा मेरे पास। ओके तो वैर अब इसकी डिटेल्स हो गई, अब लेके चलते हैं भाइयों को पीछे दिखा जी, पेट्रोल के अंदर XM नेक्सन। सो गाइस अब जो हम आपको दो गाड़ी दिखा रहे हैं दोनों आपकी है मारुति ब्रांड से, एक है आपकी इग्निस एंड एक है आपकी ब्रेजा। पाजी पहले मांगे इग्निस पे, पहले इसकी कार के फीचर बताइए सर। मारुति इग्निस आप देख रहे हो जेट्टा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आप देख रहे हो। हाँ जी, फीचर्स की बात करते हैं सर, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, कीलेस एंट्री मिल जाएगी, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, और इसके अंदर फॉग लैंप मिल जाएंगे। ओके, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है, कलर की हम बात करेंगे नेक्सा ने ही लॉन्च किया था, नेक्सा ब्लू कलर कहते हैं इसको। ओके, फर्स्ट ओनर कार है, 2019 मॉडल है, पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जेट्टा इग्निस, गाड़ी ड्रिवन है 25,000, फर्स्ट ओनर है। प्राइस की हम बात करेंगे 6,10,000 रुपये आस्किंग प्राइस है, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएशन होगी। ठीक है, सो अब इसकी डिटेल्स हो गई, अब नेक्स्ट अब आपकी आ गई है ब्रेजा। पाजी इसकी बात करें पता नहीं क्यों मैंने देखा इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में सर। गाड़ी के अंदर आपको पता ही है एज यूजुअल बहुत ही लायरेबल जो इंजन है, जो भी चीज़ है, मार्केट में बहुत ट्रस्ट है इस गाड़ी को लेके। ठीक है, और 2017 मॉडल आप ब्रेजा देख रहे हो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर डीजल, 2017 है, दिसंबर मंथ की कार है लास्ट की। ओके, ड्रिवन की अगर हम बात करते हैं 28,000 चली है, 28,000 चली हुई ZDI गाड़ी है, ZDI प्लस टॉप एंड मॉडल। आस्किंग की बात करेंगे 8,00,000 रुपये की आस्किंग है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनर ब्रेजा ZDI प्लस। ठीक है, आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा हुआ, जो चीज़ होती है कंपनी से लगी हुई है, सिर्फ एक सीट कवर बाहर से लगे हुए हैं और बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल है जैसी आती है। 28,000 चली हुई है पेट्रोल है डीजल वेरिएंट है ये? डीजल में सर, पेट्रोल में ब्रेजा अभी आई है, इसी साल लॉन्च हुई है BS6 के अंदर, ये BS4 के अंदर है। बात करते जो डीजल वेरिएंट है आई थिंक अब बंद हो चुका है ना दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल सर, इंडिया में फिलहाल बिल्कुल बंद हो चुका है। ठीक है, तो गाइस इसकी डिटेल हो गई, अब जो हम नेक्स्ट आपको दो गाड़ी दिखाने वाले हैं पाजी काफी डिमांड है उसकी, दिखाते भाइयों को आइए जी सर। जो हम आपको दो नेक्स्ट गाड़ी दिखा रहे हैं वो है आपकी इको। पाजी बात करते हैं दोनों गाड़ियां जो है डिमांड में बहुत है और एक ही सेम ही गाड़ी है लेकिन डिमांड पाजी इनकी बहुत सर। कम बजट में कोई अगर बायर हमारे से लेना चाहता है, जिनकी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है और गाड़ी लेना चाहते हैं कम बजट के अंदर, मारुति की डायरेबल कार, ऊपर से ये गाड़ी जो देख रहे हो आप CNG के अंदर लगी हुई है, बहुत ही कम कॉस्ट में ये गाड़ी चलती है, पेट्रोल पे भी बहुत अच्छी एवरेज रहती है और CNG पे भी बहुत अच्छी एवरेज रहती है। दोनों जो गाड़ी में, दोनों में CNG है, एक में CNG? दोनों में CNG है, दोनों में RC पे चढ़ी हुई है। और ये एक जो गाड़ी आप देख रहे हो 2015 मॉडल है इको, 26,000 चली हुई है, विद सर्विस रिकॉर्ड है, फर्स्ट ऑनर है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है। 2015 जो आप ये इको देख रहे हो 2,65,000 रुपीज़ का इसका आस्किंग है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड, फर्स्ट ऑनर, CNG ऑन पेपर, 5-सीटर AC भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। सो ये आपकी पड़ेगी 2,65,000 की, 2,65,000 रुपीज़ की इसकी आस्किंग है। ठीक है, छोटा मोटा ऑन टेबल सर आपको बोलने की जरूरत नहीं, आएंगे आपके थ्रू आएंगे तो बिल्कुल डिस्काउंट होगा। ठीक है, सो गाइस अब नेक्स्ट आपकी फिर से इको आ गई है, पाजी अब इसकी डिटेल भी दे दो सर। मारुति इको ये भी आप देख रहे हो एज यूजल CNG लगी हुई है, ऑन पेपर है, 2019 मॉडल है, 29,000 चली हुई है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है। आस्किंग की अगर हम इसकी बात करेंगे तो 4,10,000 रुपये, 29,000 किलोमीटर चली हुई है, CNG भी इसमें लगी हुई है और RC पे चढ़ी हुई है जैसा एज यूजुअल मैंने आपको बताया सर। ठीक है, सो गाइस आज के लॉग में फिलहाल हमने आपको ये सारी गाड़ियां दिखा दी है, बता दूं कोई भी गाड़ी जो आप देख रहे हो सारी गाड़ी ज्यादातर बता दो आपको इजीली फाइनेंस हो जाएंगी। एंड पाजी अगर बात करते हैं, चलो वैसे मैंने XUV का पूछा था, अगर जो भी मैंने यहाँ पे गाड़ी कवर की आज के लॉग में हमने भाई को दिखाई है, कोई भी गाड़ी फाइनेंस करना हो पाजी कितनी मतलब मेन डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी भाई आपको? मैंने बताया मोटा मोटा सारी चीज़ें प्रोफाइल पे, वैसे तो जो होता है प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल होता है सारी चीज़,
आपकी प्रोफाइल बहुत ही क्रीम है, बहुत अच्छी है, तो उसमें आप 90% तक भी हम आपको फाइनेंस करा के दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा अगर हम 70-80% की तो गारंटी लेते हैं कि हम फाइनेंस करा जी। फॉर एग्जाम्पल लगी 2015 मॉडल इको थी, 2,60,000 जो भी, चलो फाइनल आपकी डील क्लोज होती है, क्या ये भी 90% फाइनेंस होने के चांस है अगर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सर 30-35,000 रुपये दो और गाड़ी। सो गाइस 30-35,000 रुपये देख रहे थे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वो है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आप इस गाड़ी को घर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कार के रिगार्डिंग, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप पाजी से कॉन्टैक्ट कर ले एंड वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस जल्दी से जाके मुझे एंड पाजी को फॉलो कर ले, मुझे फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं कि कब कौन सा नया गाड़ी का ब्लॉग आपका आने वाला है, एंड पाजी को फॉलो करोगे तो वहाँ पे बेसिकली जो भी नई कार इनके स्टॉक में ऐड होती है उनकी आपको डिटेल मिलेगी। बिल्कुल एक्जेक्टली। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में पाजी के साथ नई कलेक्शन लेके। सब के दोस्तों बाय बाय।